हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकता होम फूड्स। फ्रेंड्स, सावन चल रहा है। सावन में बहुत जगह रिवाज है कि घेवर खाया जाता है। राजस्थान में तो ये बहुत ही फेमस डिश है। फ्रेंड्स, ये घेवर, राजस्थानी मलाई घेवर, बहुत ही टेस्टी होता है। और घर में मिठाई बनाने का एक ये फ़ायदा होता है कि आप मीठे को अपने स्वाद के अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। और दूसरी, इसमें प्योरिटी भी बहुत होती है। तो देख रहे हैं फ्रेंड, मैंने ये घेवर कितना बढ़िया बनाया है। आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से, घी से और मैदे से, बहुत ही टेस्टी घेवर बनाना बताऊंगी। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं घेवर बनाना। तो फ्रेंड, चलिए सबसे पहले हम रबड़ी बनाएंगे। इसके लिए देखिए फ्रेंड, मैंने 1 लीटर दूध चढ़ा दिया है। अब ये उबलेगा और उबलते उबलते इसको हमको खूब गाढ़ा कर लेना है। साइड साइड में जो मलाई जमती जा रही है, इसको हमको इसी दूध में ही ऐसे ऐसे करके दूध में ही मिक्स करते चलना है। फ्रेंड देखिए, जब ये हमारा, देखिए ना, दूध पकते पकते गाढ़ा हो गया है, क्वांटिटी लगभग आधी रह गई है, तब हम इसमें अपने स्वाद के अनुसार चीनी मिलाएंगे। फ्रेंड्स, मैं सिर्फ 4 या 5 चम्मच चीनी मिलाऊंगी। रबड़ी को बहुत मीठा नहीं करेंगे, क्योंकि घेवर के ऊपर चाशनी भी लगती है। तो अगर हम रबड़ी को बहुत मीठा कर देंगे तो बहुत मीठा हो जाएगा घेवर, और फिर वो खाते अच्छे से नहीं बनेगा। अब हम जब चीनी डालेंगे तो चीनी गलेगी और ये थोड़ा लिक्विड होगा। फिर अब हम इसको चलाते चलाते हमको इसको रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी पे ले आना है, गाढ़ा करना है। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी रबड़ी बनके तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, मैंने रबड़ी ऐसे दूध से बनाई है। आप जैसे चाहें वैसे रबड़ी बना सकते हैं। बहुत लोग मावा से बनाते हैं, बहुत लोग मिल्क पाउडर से बनाते हैं, जैसे चाहें। बट डायरेक्ट दूध से बनी हुई रबड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी रबड़ी तैयार हो गई। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। हम फ्रेंड्स इतना ही गाढ़ा रखेंगे, क्योंकि अभी रबड़ी ठंडी होने पर थोड़ी और गाढ़ी होगी। अब फ्रेंड रबड़ी तैयार हो गई। चलिए हम शुगर सिरप या चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए फ्रेंड मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, और जिस कटोरी से चीनी ली है उसी कटोरी से फ्रेंड्स हम 1/2 कटोरी पानी इसमें डालेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स हमको इसकी एक बहुत पतली नहीं, एक तार की चाशनी हमको बनानी है। जैसे शहद होता है उस तरह से चिपचिपी चाशनी बनानी, बहुत लिक्विडी चाशनी नहीं बनानी है। फ्रेंड देखिए, हमारी चीनी अच्छे से घुल गई है। फ्रेंड्स, इसी समय हमको इसमें ये फ्रेश कुटी इलायची मैंने डाली। फ्रेंड्स, मैं हमेशा फ्रेश कुटी इलायची का ही यूज़ करती हूँ, जिससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता फ्लेवर। फ्रेंड्स, इसी समय हम इसमें 4-5 केसर के थ्रेड डाल देंगे। फ्रेंड्स, इलायची और केसर ये बिल्कुल ऑप्शनल है। फ्रेंड देखिए, ये देख रहे हैं हमारी, ये देखिए एक चिपचिपी सी, ये देख रहे हैं एक तार जैसा देख रहे हैं बन रहा है। बस हमको इतनी गाढ़ी, ये आप देख सकते हैं एक तार जैसा ये देखिए बन रहा है। ये देखिए, बस हमको इतनी ही गाढ़ी चाशनी करनी है। बहुत पतली रखेंगे तो ये घेवर से नीचे बह जाएगी। अब फ्रेंड्स, चलिए हम घेवर का बैटर बनाते हैं। फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स, सबसे हमें एक मिक्स सबसे पहले हमें मिक्सर जार में ये 4 चम्मच घी लेना है। 3 से 4 चम्मच देशी घी, ये जो हम यूज़ करते हैं इस स्टेज पे फ्रेंड, देशी घी लेना है। अगर आप देशी घी नहीं, वनस्पति घी ले सकते हैं, बट देशी घी से घेवर बहुत टेस्टी बनेगा। मैंने फ्रेंड्स 3-3.5 चम्मच या 4 चम्मच घी लिया है। अब इसमें फ्रेंड्स हम 3 से 3-4 टुकड़ा बर्फ डाल देंगे और इसको मिक्सी में हम अच्छे से चलाएंगे। फ्रेंड देखिए, मिक्सी में चलाने के बाद देख रहे हैं ये कितना कड़ा कड़ा हमारा मक्खन ऐसा घी हो गया है। बिल्कुल जैसे मक्खन होता है उसी तरह का हमारा घी हो गया है। अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, इसमें हमको 1/2 कप दूध डालना है और इसको एक बार फिर से चलाना है। फ्रेंड बस ये ध्यान रखना है कि सब चीज़ चिल्ड रहेगी, दूध भी हमको फ्रिज का बिल्कुल चिल्ड लेना है। अब इसको फिर से हम चलाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देख रहे हैं जैसे हम जब मक्खन निकालते हैं उस तरह का ये देख रहे हैं बिल्कुल हो गया है। जैसे मक्खन निकालते हैं ना मलाई से, उस तरह का इसका टेक्सचर हो गया है। अब फ्रेंड जो हमने जो मैदा लिया है, इसमें इकट्ठा मैदा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पहले थोड़ा मैदा डालेंगे और फ्रेंड्स इसको चलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा मैदा डाल के हमने चला दिया, फिर थोड़ा मैदा डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा मैदा डाला, अब इसमें हमने थोड़ा ये चिल्ड वाटर डालेंगे और अब हम इसको चलाएंगे। इस तरह फ्रेंड्स करते हुए हमें पूरा मैदा डाल के चला लेना है। बस वाटर को हमको चिल्ड ही रखना है, थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के चलाते जाएंगे।
फ्रेंड ये देखिए हमारा चल गया है। इतना फ्रेंड्स हमको चलाने में कम से कम 2.5 से 3 कप पानी लगा। फ्रेंड पे ये देखिए फ्रेंड्स हमारा बैटर बन गया है। फ्रेंड्स बैटर जो है ये बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी का रहना चाहिए। जैसे रनिंग वाटर होता है जैसे हम डाल रहे हैं तो कोई भी शेप नहीं बन रहा है या आराम से इसी में मिक्स हुआ जा रहा है। इस तरह का बैटर हमको बनाना है। फ्रेंड देखिए हमारा जो बैटर रेडी है फ्रेंड्स इसको हमको देखिए मैंने एक में तसले में बर्फ ली है और उसमें हमको ये बैटर रखना है ठंडे में, क्योंकि फ्रेंड जानी मानी बात है कि इतना बैटर बनाने में टाइम तो लगेगा ही। और मेन चीज़ घेवर बनाने में ये है कि हर चीज़ जो है वो ठंडी रहनी चाहिए। अब हमको इसको बैटर को ठंडे में रखना है। फ्रेंड घेवर बनाने के लिए देखिए इस तरह का कुकर, देखिए फ्रेंड जो बाहर की तरफ जो होता है जिसकी लिड बाहर से लगती वो वाला कुकर, या ये वाला कुकर ना हो तो ये फ्रेंड्स ये वाला भगोना, ये तो सबके घर में होता है इस तरह का भगोना। नहीं चाय का पैन जिसमें मैंने चाशनी बनाई थी वो कुछ भी आप ले सकते हैं घेवर बनाने के लिए। मैं आपको आज इस कुकर में घेवर बना के दिखाऊंगी। अब फ्रेंड देखिए हमने इसमें ऑयल डाल दिया है, आप चाहें तो वनस्पति घी भी ले सकते हैं या देसी घी बनाना चाहें तो देसी घी। बस फ्रेंड्स इतना ध्यान रखना है जितनी भी हमारे कुकर होगी कुकर या जो भी बर्तन लेंगे उसमें आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, बिल्कुल भर के नहीं डालना है, क्योंकि जब हम गर्म तेल में ठंडा घेवर का मटेरियल डालेंगे तो वो बहुत तेज ऊपर आता है। और फ्रेंड्स फ्लेम देखिए, फ्लेम हमें इतनी रखनी, देखिए ये कुकर के अंदर तक रहेगी, बाहर पे नहीं आनी चाहिए। देखिए जैसे फुल पे बाहर पे नहीं आनी चाहिए, ये कुकर के अंदर तक। मैं आपको दिखाती हूँ जितने भी कुकर का बॉटम है उतनी फ्लेम रहनी चाहिए। फ्रेंड देखिए हमारा ऑयल खूब अच्छे से गर्म हो गया है, ऑयल खूब अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब फ्रेंड्स आप चाहें तो इसी करछी से ही थोड़ा थोड़ा करके बैटर डाल सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरह की एक बॉटल ले सकते हैं जो सबके घर में होती है, ऊपर ढक्कन में छेद कर लीजिए और बॉटल में भर के और थोड़ा थोड़ा चुवाइए। मैं आपको करछी से कैसे डाला जाएगा ये मैं डाल के आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स करछी में थोड़ा सा हमको बैटर ले लेना है और फ्रेंड्स इसमें सिर्फ 1 या 2 चम्मच हमको डालना है। और जब ये फ्रेंड्स पूरा शांत हो जाएगा, ये अच्छे से एक तरफ से पक जाएगा, ये इसके बुलबुले इतना जो ऑयल है ये बंद हो जाएंगे, ऑयल शांत हो जाएगा तब हम इसमें दोबारा डालेंगे, तुरंत तुरंत नहीं डालेंगे नहीं तो जाली नहीं बनेगी। अब फ्रेंड देखिए ये शांत हो गया है, अब इसमें हम 1-2 चम्मच बस और डालेंगे, फिर ये शांत हो जाएगा, फिर हम डालेंगे। फ्रेंड्स आप जितना बैटर डालेंगे घेवर उसी हिसाब से उतना मोटा या पतला बनेगा, तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना मोटा या कितना पतला घेवर बनाना चाहते हैं। इस तरह से करके इसमें बस 1-1, 2-2 चम्मच करीब हम करके इसमें बैटर डालते जाएंगे और कम से कम 8 से 10 बार हम इसमें बैटर इसी तरह से डालेंगे। 3 से 4 बार फ्रेंड्स बैटर डालने के बाद देखिए इसमें बीच में हमको ऐसा हल्का सा चाकू से या किसी भी चीज़ से इसमें ऐसे छेद कर देना है बहुत हल्के से, और फिर उसी छेद में हमको बैटर डालना है। फ्रेंड्स 7 से 8 बार डालने के बाद किसी भी चाकू या फोक से देख रहे हैं ये अपने आप साइड्स छोड़ रहा है, इसको हम हल्का सा नीचे करेंगे जिससे ये पूरा ऊपर से भी अच्छे से इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। और आ जाएगा तो इसको हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही मतलब धीरे से, बहुत ही सावधानी से इसको हम निकालेंगे। फ्रेंड घेवर बनाते समय सावधानी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड ये देखिए हमारा बढ़िया जालीदार घेवर, अभी देख रहे हैं बहुत गर्म है, देखिए इसकी थिकनेस ये है, ये अपने हिसाब से आप मोटा और पतला तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसी तरह हमको सारे घेवर बना के तैयार कर लेने हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारे सारे घेवर बन के तैयार हो गए, देख रहे हैं मैंने कुछ पतले बनाए हैं कुछ मोटे बनाए हैं, देखिए वैसे नॉर्मली थिकनेस घेवर की ये होनी चाहिए। देख रहे हैं आप कितने बढ़िया जालीदार घेवर हमारे बन के तैयार हुए, आप देख रहे हैं कितने सारे घेवर हमारे बने, 1-2 तो हमारे घर में सूखा ही ऐसे खा लिए। तो फ्रेंड चलिए अब इसको हम क्या करना है इसको, तो देखिए फ्रेंड ये हमने घेवर, ये फ्रेंड्स हमने घेवर रख लिया है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे इसके ऊपर हम ऐसे थोड़ी थोड़ी चाशनी डालेंगे, इसीलिए मैंने कहा था बहुत पतली चाशनी ना बनाइएगा नहीं सारी घेवर के नीचे चली जाएगी, पूरा हम इसमें थोड़ी थोड़ी सब तरफ चाशनी डाल देंगे। अब फ्रेंड देखिए जो हमने रबड़ी बनाई थी इसके ऊपर हम ये रबड़ी पूरी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, सब तरफ रबड़ी हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब फ्रेंड देखिए हमने रबड़ी भी पूरी अच्छे से स्प्रेड कर दी है, अब फ्रेंड्स हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। अब फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स आपके गार्निशिंग का मन, आपका जैसे मन हुआ वैसे गार्निशिंग करिए। मैं थोड़े से ये बादाम के स्लाइसेस कटे हुए
फ्रेंड ये देखिए मैंने बादाम से और रोज पेटल से घेवर को सजाया, देखना फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स मैंने फ्रेश रोज पेटल्स लिए हैं, आप चाहें तो ड्राई रोज पेटल्स भी, जो गुलाब की जो सूखी पत्तियां बहुत लोग गार्निशिंग करने के लिए रखते हैं तो वो भी इस पे डाल सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स कितनी आसानी से सिर्फ 4 चम्मच घी से और सिर्फ मैदे से, बहुत लोग बेसन भी डालते हैं ये भी करते हैं, मैंने सिर्फ मैदे से कितना बढ़िया घेवर बना लिया और एक कटोरी मैदे से हमने कितने ढेर सारे घेवर बना लिए। तो फ्रेंड्स हर बार कितने वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फ्रेंड्स इस सावन ये घेवर जरूर ट्राई करिए। फ्रेंड्स रक्षाबंधन भी आ रहा है, रक्षाबंधन में ये घेवर बनाइए और अपने भाई का मन खुश करिए। ओके फ्रेंड्स बाय।